Hello and welcome to my channel All Tech Unboxing, and today I'm going to unbox a very new exciting product. Yes, this is Sony PSP E1004. So what is it? Just take a look. Before starting a video, if you are new on my channel, don't forget to subscribe. If you really enjoyed my video, don't forget to like and share. If you want any query related to this product, just mention your comment on our comment section and I will reply you as soon as possible. And also don't forget to press the bell icon so you never miss the updates. So let's start a video. So friends, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो मेरा product है वो यहाँ पे Sony PSP E1004 चारकोल ब्लैक, और ये मैंने लिया है अमेजोन से। अमेजोन में जो इसका प्राइस होगा वो होगा यहाँ पे ₹14,990, जो कि यहाँ पे काफी हाई प्राइस है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी यहाँ पे एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे अगर हम बात करें बॉक्स की, तो बॉक्स यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम देखने को मिलता है, और यहाँ जो कलर प्रोवाइड करा गया वो यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बॉक्स को फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे आपको हमारे प्रोडक्ट का लुक एंड डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे हमें सोनी का ब्रांड नेम दिखेगा, और नीचे आएंगे तो यहां पे आपको मॉडल नेम दिखेगा जो कि यहां पे PSP E1004। यहां पे आपको PS का लोगो आराम से देखने को मिल जाएगा, और यहां पे एक गेम आपको साथ देखने को मिले जो कि यहां पे स्ट्रीट। वहीं पे बॉक्स के लेफ्ट साइड में देखते तो यहां पे मॉडल नेम दिखा रखा है विद चारकोल ब्लैक। वहीं पे राइट साइड से देखते तो यहां पे आपको सीरियल नंबर PSP का दिखा रखा है। वहीं पे अगर हम बॉक्स को पीछे की ओर देखें तो यहां पे लैंग्वेज सपोर्टेड दिखा रखा है विद वार्निंग एंड कॉशन। वहीं पे अगर हम बॉक्स को ऊपर की साइड देखते तो यहां पे आपको सोनी जो कि एक ब्रांड नेम है, और यहां पे भी हमारे प्रोडक्ट का लुक एंड डिजाइन दिखा रखा है, और यहां पे आपको एक गेम शायद मिल सकती है जो कि मैंने आपको बताया था, वो है यहां पे स्ट्रीट, और यहां पे जो कलर आपको देखने को मिलेगा वो है यहां पे चारकोल ब्लैक। तो फ्रेंड, जल्दी से हम लोग अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं जो हमारे प्रोडक्ट का लुक एंड डिजाइन है वो यहाँ पे कैसा, और हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे पूरी तरह से अनबॉक्स कर लिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें सबसे पहला यहाँ पे PSP E1004 गेमिंग प्राइस लेटर, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे लेटर दिखेगा, और आपको यहाँ पे फ्रेंड इतना करना, आपको जस्ट ईमेल करना है, और हो सकता है आप यहाँ पे प्राइस जीत जाए, तो मैं इसे किनारे रखता हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट्स पे, जो कि हमारा गारंटी पेपर वर्क, कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको पेपर वर्क दिखेगा, और ये अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसे भी किनारे रखता हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट्स पे, जो कि हमारा मैनुअल। मैनुअल यहाँ पे तीन लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी, डच, इटालियन, तीसरा यहाँ पे इंग्लिश, और इंग्लिश यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसको भी किनारे रखता हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट्स पे, जो कि हमारा 5 वोल्ट का चार्जर, तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे चार्जर दिखेगा, और ये सोनी का ओरिजिनल चार्जर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिन आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके की होगी, तो मैं इसे सामने से दिखा देता हूँ आपको, तो मैं इसे भी किनारे रखता हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने फाइनल कंपोनेंट पे, जो कि हमारा PSP E1004 चारकोल ब्लैक, और जो लुक एंड डिजाइन होगा कुछ इस तरीके का होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीचों बीच में आपको यहाँ पे 480 रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा, इसके साथ डी पैड, इसके साथ यहाँ पे आपको एनालॉग स्टिक भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे आपको PS बटन देखने को मिलेगा, वॉल्यूम अप एंड डाउन की देखने को मिलेगा, PSP का लोगो, सेलेक्ट बटन, स्टार्ट बटन, इसके साथ राइट साइड में आपको सोनी का लोगो तो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 बटन और देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर और क्रॉस। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पावर बटन, इसके साथ साथ 3.5 mm जैक ऑडियो के लिए, और यहाँ पे DC-in 5 वोल्ट भी आपको देखने को मिलता है स्लॉट। लेफ्ट साइड में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता, राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता। वहीं पे ऊपर की ओर देखते तो यहाँ पे कुछ और चीजें इन्होंने दिखा रखी है, यहाँ पे आपको मिलता है लेफ्ट ट्रिगर, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैजिक गेट प्रो, यहाँ पे मेमोरी कार्ड के लिए एक स्लॉट यहाँ पे दे रखा है, इसके साथ यहाँ पे डेटा ट्रांसफर केबल का भी एक स्लॉट यहाँ पे दे रखा है, इसके साथ यहाँ पे राइट ट्रिगर भी देखने को दे रखा है, इसके साथ यहाँ पे UMD के लिए भी एक स्लॉट यहाँ पे दे रखा है, जिसको आप यहाँ पे ओपन करते तो यहाँ पे आधा हिस्सा यहाँ पे UMD के लिए दे रखा है, और आधा इसका हिस्सा यहाँ पे बैटरी के लिए दे रखा है, जो कि यहाँ पे इनबिल्ट है और आप इसको यहाँ पे निकाल नहीं सकते। वहीं पे अगर हम इसको पीछे से देखते तो कुछ लुक आपको इस तरीके का दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीचों बीच में यहाँ पे आपको PSP लिखा हुआ
मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से अपने डिवाइस को यहाँ पे बूट करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे किस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा पीएसपी में और नीचे यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। मैं इसे यहाँ पे लेफ्ट से राइट यहाँ पे खिसका दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने पीएसपी को पूरी तरह से बूट कर लिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड यूजर इंटरफेस की, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्ले स्टेशन का ही यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। ऐसा यूजर इंटरफेस आपने यहाँ पे प्ले स्टेशन 3 में देखा होगा या फिर यहाँ पे PS4 में देखा होगा। वहीं पर बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेटिंग्स, एक्स्ट्रास, फोटो या कैमरा, म्यूजिक, वीडियो, इसके साथ साथ गेम का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करते हैं PSP 3004 मॉडल से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को नहीं मिलते E1004 में, वो ये कि नेटवर्क का, इसके साथ साथ यहाँ पे PSN का। ऐसा इसलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको वाईफाई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि अगर हम बात करें 3004 में, तो इसमें आपको वाईफाई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें यहाँ पे स्पीकर की, तो स्पीकर यहाँ पे आपको एक मिलता है E1004 में, जबकि आपको इसमें दो स्पीकर देखने को मिलते हैं 3004 में। इसके अलावा यहां पे आपको टीवी आउटपुट भी देखने को नहीं मिलता E1004 में, जबकि 3004 में आपको टीवी आउटपुट भी आराम से देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहां पे बैटरी की, तो यहां पे E1004 में इनबिल्ट बैटरी आपको देखने को मिलती है, जबकि यहां पे रिमूवल बैटरी आपको देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो फटाफट फ्रेंड, हम लोग अपने पीएसपी में कस्टम फर्मवेयर को इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग इसमें फ्री गेम्स खेल पाए। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, इस प्रोडक्ट के साथ मुझे कोई भी गेम डिस्क नहीं मिला है, ना ही मुझे यहां पे कोई मेमोरी स्टिक मिला है, ना ही यहां पे मुझे डेटा ट्रांसफर केबल मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास यहां पे पहले से एक मेमोरी स्टिक है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, और ये सोनी की ओरिजिनल मेमोरी स्टिक प्रो ड्यू है 8GB, और इसी का इस्तेमाल मैं करूंगा अपने पीएसपी को हैक करने के लिए। और इसके साथ में एक और हार्डवेयर यहां पे यूज करूंगा, वो होगा यहां पे मल्टी कार्ड रीडर, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको यहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका यहां पे पीएसपी वर्जन है ऑफिशियल, वो यहां पे कौन सा है। तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहां पे जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन यहां पे दिख रहा होगा सिस्टम सेटिंग्स, इसको ओपन कर लेंगे। और यहां पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा सिस्टम इंफॉर्मेशन, इसको यहां पे ओपन कर लेंगे। तो यहां पे आपका जो वर्जन होगा वो यहां पे दिख जाएगा, जो कि यहां पे मेरा 6.60, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपका यहां पे इससे लोअर हुआ, तो मैं कहूंगा आप इसे अपग्रेड कर ले अपने पीएसपी का सॉफ्टवेयर को, तो आपका जैसे 6.60 हो जाए, उसके बाद में फ्रेंड्स यहां पे जो आगे की प्रक्रिया है वो मैं अपने कंप्यूटर से आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर में आ गया हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, और मैंने अपने मेमोरी कार्ड को यहां पे अटैच कर दिया है पीसी से थ्रू मेमोरी कार्ड रीडर। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप अपने दिस पीसी में जाएंगे और जो भी आपका यहां पे कार्ड रीडर का ड्राइव होगा उसके अंदर आप जाएंगे। मेरे इस केस में यहाँ पे जी है, तो मैं यहाँ पे जी के अंदर हूँ। और यहाँ पे जो आपको रूट होगा, रूट में आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे ISO के नाम से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ISO का फोल्डर बना लिया है। अगर पहले से बना है तो अच्छी बात, अगर नहीं बना तो आप इसे क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड, इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे पीएसपी के गेम्स रखेंगे, जो कि यहाँ पे डिजिटल कॉपी होगी। अगर फाइल यहाँ पे आपको ISO फॉर्मेट में मिले या फिर CSO फॉर्मेट में, तो दोनों ही फाइल आपको इस ISO फोल्डर के अंदर रखनी होगी, ये जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे सारे पीएसपी के गेम हैं। और यहाँ पे याद रहे, आप यहाँ पे PS3 की ISO फाइल यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ना ही यहाँ पे PS4 की रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो पीएसपी की यहाँ पे ISO फाइल है वही आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं CSO फाइल, ISO फाइल की यहाँ पे ढेर सारे आपको गेम्स दिख रहे हैं। मैं इन सबको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद मैं इसको कॉपी कर दूंगा। और मैंने यहाँ पे देखिए इसको सीधे यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ पे ये कॉपी हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मेरा कस्टम फर्मवेयर है जो 6.60 है वो ये है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फाइल यहाँ पे .pbp में हुई तो ये कहीं और यहाँ पे जाएगी, वो ISO फोल्डर में यहाँ पे नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक PSP फोल्डर, अगर नहीं है तो आप इसे क्रिएट कर लीजिए। और इसके अंदर यहाँ पे एक फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा गेम का, और ये भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है,
तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गेम फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसके अंदर ये वाली फाइल जाएगी, डॉट पीबीबी वाली फाइल नहीं जाएगी, ये पूरी फाइल जाएगी, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका सपोज जो गेम हो वो भी डॉट पीबीबी में हो तो वो भी वो इसी फोल्डर में जाएगी, यानी गेम फोल्डर के अंदर में जाएगी। जैसे कि मेरा पेप्सी मैन गेम है और इसकी जो फाइल फॉर्मेट है डॉट पीबीपी है, तो ये जनरली किस में जाएगी, गेम फोल्डर के अंदर जाएगी, ठीक है। तो मैं जनरली इसको यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आपका यहाँ पे जैसे आपको टेकन 3 खेलना हो या फिर आपको मारियो खेलना है, तो और जनरली इनकी जो फाइल आपको मिलेगी डॉट पीबीपी फॉर्मेट में ही मिलेगी, और ये वाली जो फॉर्मेट वाली जो फाइल होगी वो आपको यहाँ पे गेम फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करनी पड़ेगी। तो अभी आप देख रहे हैं मेरा ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है अपने गेम्स को और कस्टम फर्मवेयर को। आगे की प्रक्रिया मैं आपको पीएसपी कंसोल में दिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी अभी आपको इसमें कॉपी करना बताया था कि आप कैसे कस्टम फर्मवेयर को अपने मेमोरी कार्ड में यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो फटाफट फ्रेंड हम लोग यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पे अपना जो मेमोरी कार्ड है जिसमें आपका कस्टम फर्मवेयर कॉपी है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपने पीएसपी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद हम इसे ऑन करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे गेम सेक्शन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हम मेमोरी स्टिक चूज करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गेम हमारे शो कर गए और बाकी जो आईएसओ वाले जो गेम थे कोई भी शो नहीं कर रहा है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ आपको मैसेज मिलेगा, दिस गेम कैन नॉट बी स्टार्टेड। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें जब तक कस्टम फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा ये गेम शुरू नहीं होगा। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड गॉड प्रो बी अपडेटर में, इसको हम ओपन करेंगे। तो कुछ आपको इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पहले लिखा है कि यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉल करना तो एक्स बटन दबाएं, और अगर आपको इसे अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे ट्रायंगल बटन दबाएं, अगर आप इसे एल डब बटन दबाते हैं तो दोबारा से इंस्टॉल होगा, और अगर आर दबाते हैं तो एग्जिट हो जाएगा। तो मुझे इसे इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स बटन दबाऊंगा, और मैंने एक्स बटन यहाँ पे दबा दिया। अब ये कह रहा है एक्स टू स्टार्ट कस्टम फर्मवेयर, और ये मेरा रिबूट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबूट होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखेगा। आप देखते हैं यहाँ पे हमारे गेम शो करता है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे मेमोरी कार्ड खोला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके का गेम यहाँ पे शो होने लगा है, गॉड ऑफ वार, बर्न आउट, ये सब जो पहले शो नहीं हो रहे, टेकन, मेटल स्लग, डबल एक्स, प्रिंस ऑफ पर्सिया। तो आपका इस तरीके से फ्रेंड कस्टम फर्मवेयर यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो फटाफट फ्रेंड हम लोग यहाँ पे अपने गेम को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। यहाँ जो गेम में टेस्ट करूंगा वो होगा यहाँ पे गॉड ऑफ वार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I must return.
सो फ्रेंड्स मैंने अभी अभी आपको इसमें गेम क्वालिटी टेस्ट करके दिखाया। यहाँ जो मैंने गेम टेस्ट किया था वो था यहाँ पे गॉड ऑफ वार चेन ऑफ ओलंपस। इसके साथ मैंने एक और गेम यहाँ पे टेस्ट किया था वो था यहाँ पे बर्नआउट पैराडाइज। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेम क्वालिटी आपको काफ़ी हाई मिलती है। ये सेम क्वालिटी आपको देखने को मिलती जो आपने देखी होगी PS2 गेम्स में या फिर PS3 के गेम्स में। यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए तो आपको गेम क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मैं कभी भी अपने चैनल में न्यू वीडियो पोस्ट कर उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, गुड बाय, शब्बा खैर, और हाँ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।